क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्या की बना क्वेश्चन नंबर फोर में, रीड करो स्टेटमेंट। द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ राइट एंगल एट द सेंटर। ये कॉर्ड है, इट इज फॉर्मिंग 90 डिग्री एट द सेंटर एंड रेडियस इज 10। रेडियस इज 10। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब देखो इधर, अभी हमने एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो डिस्कस नहीं किया, यहीं पे बता देते हैं फॉर्मूला। ये जो कॉर्ड है और ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो पूरी चीज है ये क्या है? सेक्टर। ये क्या है? सेक्टर है ये, ठीक है। ये जो सेक्टर है ये माइनर सेक्टर है, ठीक है। और जो ये बाकी सारा लेफ्ट आउट पोर्शन है मेजर सेक्टर है। ये जो पोर्शन है ये माइनर सेक्टर है और जितना भी ये वाला पोर्शन लेफ्ट है ये सारा मेजर सेक्टर है। आपने दो पार्ट फाइंड करने हैं, एक में तो सेगमेंट फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है माइनर सेक्टर, ठीक है। पहले हम सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सेगमेंट का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देती हूँ, उसमें ये यूज होगा सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर तो फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा, थीटा कितना है? 90। रेडियस कितना है? 10। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल सकते हो। फाइंड करो एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा निकालना है? वो निकाल लेते हैं डायरेक्ट। माइनर से भी कर सकते हैं, मेजर से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आपने मेजर सेक्टर निकालना है तो डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं मेजर सेक्टर। कल बताया था आपको मैंने कि अगर माइनर सेक्टर है तो ये वाला एरिया लेना है, ये वाला एंगल लेना है, और अगर मेजर है तो ये वाला एंगल लेना है। कितना आएगा ये एंगल? 360 माइनस 90 कितना हो गया? 270, ठीक है। तो 270 आएगा। मेजर सेक्टर फाइंड कर रहे हो, देखो दो वे हैं, या तो आप फॉर्मूला लगाओ 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एक तो ये है, या दूसरा वे ये है कि आप माइनर सेक्टर निकाल लो, उसको क्या करेंगे, टोटल सर्कल के एरिया में से इस पोर्शन को एक्सक्लूड कर दो तो ये मिल जाए, ठीक है। बात समझ आई? या तो आप ये यूज कर लो, या आपके पास दूसरा मेथड कौन सा है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो दो वे आप कोई भी यूज कर सकते हैं। चलो इससे कर लेते हैं, ये तो आप फिर भी कर लोगे, ये वाला कर लेते हैं एक बार। किस वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं हम? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज 360 माइनस 90, 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। रेडियस 10 इंटू 3. ठीक है, 3.14 है, डेसिमल रिमूव करोगे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी कटिंग कर दो, कितना आ रहा है? 3/4 × 314, इसकी कटिंग कर लो 157/2 × 3, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 = 21, 471/ कितना आ रहा है? 235.5 आ रहा है। ये क्या आ गया? मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया तो, और अगर आप माइनर का निकालते तो टोटल टोटल एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करके उसमें से माइनस करना पड़ता, ठीक है। अब यहां देखो, ये आपका हो गया, ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट की सेकंड?
सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट हमने सेकेंड पार्ट फाइंड किया, अब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेगमेंट क्या होता है। ये है सेगमेंट, ये जो पोर्शन है ना ये सेगमेंट है, वो भी कौन सा, माइनर। अगर ये माइनर है तो बाकी सारा बचा हुआ क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। सेगमेंट ठीक है, ये माइनर है, ये फाइंड करना है। जो एरिया ऑफ सेक्टर था ना ये वाला पूरा, इसमें से अगर आप ट्रायंगल को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप कर दो तो आपके पास सेगमेंट का एरिया। अब यहां पर ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया और ये बन गई हाइपोटेन्यूज। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, लेकिन हर बार ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है, मैं आपको दोनों ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बता देती हूँ, फॉर्मूला मैं आपको दोनों लिखवा देती हूँ। ठीक है, दोनों से कहोगे तो दोनों से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है ये, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल को हटाना। तो ट्रायंगल मेजर नहीं है, माइनर की बात है। जब कुछ नहीं लिखा ना तो माइनर है, मेजर मेंशन करोगे तो मेजर है, अदरवाइज सब कुछ माइनर चल रहा है। हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये माइनर ही है। तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रहे हैं। अब ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, आप हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ले सकते हो। बेस कितना होगा 10, हाइट कितनी होगी 10, तो कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे आपको साइड पे बता देती हूँ, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू 10 इनटू 10 दैट इज 50। ठीक है, तो आप सेक्टर के एरिया में से इसको माइनस कर सकते हो 50 को। ठीक है, एक और वे है, उसमें क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बस ये तीन फॉर्मूला है टोटल जो हमने किए। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन गया, बेस और परपेंडिकुलर। सुनो इधर, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये रेडियस है, थीटा जो भी आपके पास होगा 90 है तो 90, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज होगा यहाँ पे, साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है, साइन 45 आ जाए, जो भी होगा वो यूज करना है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कर आंसर इसका भी 50 ही आएगा यहां से भी। ठीक है, यहां से भी 50 आ रहा है, यहां से भी 50 आ रहा है, लेकिन ये हर टाइम पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा। यहाँ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, लगा सकते हैं ये वाला हर जगह पे एप्लीकेबल। ये लगाओ, ये लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी आप ये अप्लाई करो क्योंकि प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। देखो इधर, डिफिकल्ट नहीं है, लग रहा है नहीं, बहुत इजी है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, इतनी इतनी तो आप वैसे ही कर लेते हो, डबल चीजें हैं बस। अब यहाँ देखो, वैल्यूज पुट करो, थीटा कितना है 90, 90 बाय 360 पाई 3.14, रेडियस इज 10, 10 का स्क्वायर 100, रेडियस इज अगेन साइन थीटा, साइन मतलब 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, साइन 90 कितना होता है 1, 100 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 50, तो 50 आ रहा है आंसर। चाहिए वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहिए वाला इधर से आएगा 1/4 इंटू 314 माइनस 50, इसको डिवाइड कर लो 157/2 माइनस 50 डिवाइड करो, यूनिट क्या। ठीक है, ये क्या आ रहा है,
क्या फाइंड किया हमने? माइनर सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट निकालना हो तो मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट मतलब ये सारा निकालना हो, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल में से सेगमेंट को माइनस कर देंगे, ये इसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, उसमें से इसे माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाए। क्लियर है? इसमें एक काम और भी कर सकते थे, 100 कॉमन था, कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है? इसका मीनिंग था 1/4, यहाँ पर 1/2 है, 1/2 और 100 कॉमन ले सकते थे, वो भी कर सकते थे, ठीक है? हाँ जी, जब टेस्ट का टाइम फिनिश हो रहा था ना, जैसे कल का टाइम आई थिंक 10 कितने का था, 10:30 का टाइम था, कितने बजे का था? हाँ, तो जितने बजे वो टेस्ट ओवर होता है ना, उसके बाद आंसर आने लग जाते हैं, ठीक है? जब वो जैसे ही उस टाइम की लिमिट एंड होती है, अपने आप आंसर आ जाते हैं, देख सकते हैं। करे थे कल आपने टेस्ट? नहीं किया? नहीं किया। टाइम क्यों मैंने टू? एक्चुअली पता क्या है, टाइम उसमें सिर्फ 60 मिनट सेट होता है, जब आप कहते हो ना ज्यादा टाइम डाल देना, तो वो अपने आप फिर टाइम कम कर देता है, 60 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं आता उसके अंदर, मतलब 1 आवर का मैं डाल सकती हूँ, जैसे ही मैं उससे ज्यादा डालती हूँ ना, तो वो अपने आप 15 कर देता है वहां का। चलो मैं 1 आवर का ही डालूंगी, कितना, 9 to 10 का टाइम डाल दूंगी, भेज देना मेरे को लिख के। हाँ जी, ये क्लियर है? अब हमने इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले किए? एरिया ऑफ सेक्टर किया सबसे पहले, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, उसके बाद किया लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज थीटा बाय 360 टू पाई आर, ठीक है? सिर्फ इसमें 2 पाई आर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसका एक छोटा सा पार्ट ले रहा है, इसलिए 2 पाई आर आएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क है, इसमें एरिया का कोई काम ही नहीं। उसके बाद हमने किया एरिया ऑफ सेगमेंट, जो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर का एरिया आपको ऑलरेडी लर्न है, आपको ट्रायंगल का एरिया लर्न करना है, दैट इज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है? ये लर्न करना है, और जो 1/2 बेस इनटू हाइट है वो तभी अप्लाई होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज अदरवाइज ये, और वैसे आपको जरूरत ही नहीं, आप यही फॉर्मूला लगाओ हर जगह पे, बिना सोचे समझे, कुछ नहीं देखना, कोई भी टाइप ऑफ ट्रायंगल हो ये लगेगा ही लगेगा, कोई बात नहीं, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये सब पे लगेगा, चाहे स्केल इन है, कोई भी ट्रायंगल है, स्केल इन तो होगा नहीं क्योंकि रेडियस होंगे तो, ठीक है? दो दो चीजें तो इक्वल होंगी ही ना सेक्टर में, दो रेडियस, तो आइसोसेलिस तो मिनिमम होगा ही ट्रायंगल, इक्विलेटरल भी हो सकता है, इक्विलेटरल हो तो एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा? √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ये भी 10 दिया हुआ है, तो इक्विलेटरल बन जाएगा, तो आप √3/4 साइड स्क्वायर फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, राइट डाउन, थीटा 60 डिग्री, रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21, थीटा 60, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला बोलो, यस लास्ट, सेकंड लास्ट फॉर्मूला बोलो लेंथ ऑफ आर्क का, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 60 बाय 360, 2 पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 21, 6 आ गया, 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर,
चांद, फॉर्मूला बोलो एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बोलो क्या हुआ। यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहना, फिर कब पढ़ना है, एग्जाम से एक दिन पहले। जयदित्य बोलो आप फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, कल कहाँ थे आप, क्यों की थी, क्लास में थे कल, बोलो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का लाउडली बोलो, जल्दी करो। थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फाइंड करो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 22/7, रेडियस इज 21 इंटू 21, 6 3 11, 11 इंटू 21 231। आपको मेथड बताया था 11 से मल्टीप्लाई करने का, याद है कि सुना ही नहीं। जिसको 11 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, वो नंबर, ये डिजिट सेम, ये सेम, इन दोनों का सम, जैसे 143 है, इसको 11 से करना है। ये डिजिट लास्ट सेम, ये भी सेम, इन दोनों का सम 7, इन दोनों का सम, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने का मेथड है ये। ऐसे ही इसमें 21 को करे थे ना, 1 सेम 2 सेम, इन दोनों का सम 3, तो आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों अलग अलग बैठा करो, किसकी, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अंकिता फॉर्मूला बोलो एरिया ऑफ सेगमेंट। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, लगाओ फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ सेक्टर आपने इसमें यूज करना है, तो दोबारा मत फाइंड करना, वो फाइंड किया हुआ है ना, सीधा लिख देना, राइट डाउन, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, क्या आएगा, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर की जगह ये लिख दो 231 माइनस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो। रेडियस कितना है 21, साइन 60 क्या होता है 3/2, जो साइन 60 होता है उसके जैसा सेम एक और होता है, कौन, कॉस 30, और जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 होता है, रिवर्स होते हैं ना, टेबल की पहली लाइन को आप रिवर्स करके लिखते हो ना कॉस की लाइन में, तो सारी वैल्यूज रिवर्स होती है, इसलिए साइन वाली लाइन लर्न होना जरूरी है, बाकी सब आप फॉर्म कर सकते हो। ये अर्शीन 32 रोल नंबर लिख लो, पार्थ है, गुरसेवक, ठीक है, रूट में आएगा 231 माइनस 41। एलसीएम लिया आपने, आपने एलसीएम ले लिया था, जो लिखा था फिर उसको काटा क्यों है, ठीक तो था वो, उन्होंने बिना एलसीएम के बोला है, आप एलसीएम लेके कर बोल रहे थे, पहले एलसीएम लोगे जब फोर से करोगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा ना, आप सेम लिख रहे हो।
हाँ हाँ ठीक होगा, लेकिन वैसे करना नहीं, पता क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर में देखो कॉमन आ रहा होगा कुछ, ये कॉमन आ रहा होगा, तो फिर या तो कॉमन लो, इसलिए बेटर है ऐसे छोड़ दो। हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर रहे हो 21 इंटू 21 इंटू √3/2, ठीक है? 231 − 441 √3/4। अगर एलसीएम ले लेते हो तो फिर ये चेक कर लेना एलसीएम लेने के बाद इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेना बाहर, चेक करो आ रहा है कॉमन 924, और इसमें कॉमन आ रहा है। नहीं आया, आ रहा है कॉमन 21 कॉमन आ रहा है, ये देखो इधर 231 कैसे आया था, 21 इंटू 11, और ये भी क्या है 21 इंटू 21, आ रहा है कॉमन। अगर निकालना हो तो मैं बता देती हूँ, एक मिनट, ये क्या है 21 इंटू 11, ये क्या है 21 इंटू 21 इंटू √3/4, 21 कॉमन, 11 − 21 √3/4, मल्टीप्लाई कर लो 44 − 21 √3/21/4। ये एलसीएम लिया ना, 44 − 21 √3/4 आना था ना, 4 को मैंने बाहर लिख दिया, छोड़ सकती हो, पर मेरी बात सुनो, एमसीक्यूज में ऐसे होगा तो क्या करोगे, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कॉमन कैसे लेना है, आपका आंसर वहां पे टैली नहीं होगा फिर, ये पता तो होना चाहिए ना, ठीक है? तो न्यूमिनेटर वाले के इसके फैक्टर देख लेना, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेना।